मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल अनलॉक टेक, जहां मैं हर रोज मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए ढेर सारे वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप देख सकते हैं हम रोज कंप्यूटर और मोबाइल टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए वीडियोस बनाते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आपने देखा है, आज हमारा वीडियो है हमारे डायलर पैड पे। आप लोगों ने देखा होगा, सबसे ज़्यादा जब हम कॉल लगाते हैं, कॉल करते हैं किसी को, डायलर पैड का यूज़ करते हैं। इन डायलर पैड्स की मैं 5 ऐसी सेटिंग्स आपको बताने जा रहा हूँ, जो हो सकता है कुछ टेक्नो से भी लोगों को पहले से पता हो, लेकिन स्मार्टफोन्स के कुछ नए यूज़र्स हैं और काफ़ी सारे हमारे ऐसे यूज़र्स हैं जो इन सेटिंग्स को नहीं जानते होंगे। और मैं आशा करता हूँ इन सेटिंग्स का इस्तेमाल करके जो है आप अपने स्मार्टफोन के एक्सपीरियंस को और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। हम चलेंगे हमारे डायलर पैड पर। ये देखिए दोस्तों, डायलर पैड आ गया है। आप लोग देख पा रहे होंगे ऊपर जो राइट टॉप में आपको 3 डॉट दिख रहे हैं, इन 3 डॉट पर जाना है। यहाँ से आप अपने डायलर पैड की सेटिंग्स पर आ जाएंगे। हम इन 3 डॉट पर क्लिक करते हैं। यहाँ क्लिक करने के बाद जो है नीचे 2 ऑप्शन आए हैं, ब्लॉक हैरेसिंग कॉल्स और कॉल सेटिंग्स। हम कॉल सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे। कॉल सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, जो मेरा पहला सेटिंग्स है, जो पहला ट्रिक है, आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है ऑनलाइन रिकॉग्निशंस ऑफ स्ट्रेंज नंबर्स। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप ट्रू कॉलर को अपने मोबाइल फ़ोन में ना रखना चाहें, आप ट्रू कॉलर का यूज़ नहीं करना चाहते हैं, तो आपका फ़ोन भी ये सुविधा देता है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आप अंदर देख सकते हैं एक इस तरीके का एक पैनल आता है। यहाँ लिखा है ऑनलाइन रिकॉग्निशन अननोन नंबर। अननोन नंबर जो होते हैं, इसको इनेबल करने के बाद जो है ये ऑनलाइन रिकॉग्नाइज कर लेता है उस नंबर को, और ये आपको बताता है कि वो नंबर किस टाइप का है, किस प्रकार का है, कहाँ से आया है, वॉट एवर। तो जैसे ही आप इसको इनेबल कर लेंगे, नेक्स्ट टाइम आपके पास जो भी फ़ोन कॉल आएगा, अगर वो नंबर आपके मोबाइल में सेव नहीं है, तो वो यहाँ पर ऑनलाइन आपको रिकॉग्नाइज करके बताएगा। तो दोस्तों, काफ़ी अच्छी ट्रिक है। दूसरा आप देख सकते हैं उसके नीचे लिखा है ब्लॉक हैरेसिंग कॉल्स। ब्लॉक हैरेसिंग कॉल्स जो है दोस्तों, ऑनलाइन रिकॉग्निशन ऑफ स्ट्रेंज नंबर्स के माध्यम से ही जुड़ा हुआ है। आप इस पर क्लिक करेंगे, अंदर देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है टू इंश्योर द प्रॉपर यूज़ ऑफ दिस फंक्शन। आप अगर ये इंश्योर करना चाहते हैं कि इस फंक्शन का प्रॉपर यूज़ हो, तो आपको ऑनलाइन रिकॉग्निशन ऑफ अननोन नंबर्स को इनेबल करना होगा। इसे इनेबल करने से क्या होगा, जो भी हैरेसिंग कॉल्स होंगे उन्हें आप ब्लॉक कर सकते हैं, जैसे कि वॉइस फिशिंग के, एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड, एस्टेट एजेंट से रिलेटेड, इंश्योरेंस से रिलेटेड जो भी फ़ोन कॉल्स अननोन नंबर पर आएंगे, जो इन नंबरों से सेव होंगे, वो पहले से ही ब्लॉक हो जाएंगे। इनसे जो है आपका समय भी बचेगा और ज़्यादातर लोगों का तो मूड भी ख़राब हो जाता है ऐसे फ़ोन कॉल्स को सुनकर। तो दोस्तों, ये भी बहुत अच्छी ट्रिक थी। हम तीसरी ट्रिक पर आएंगे, आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ से आप चौथे नंबर पर देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है रिकॉर्ड सेटिंग्स। अभी आप सोच रहे होंगे कि विवेक ये क्या दिखा रहा है, रिकॉर्ड सेटिंग्स, ये तो दुनिया जानती है। जी हाँ दोस्तों, ये सभी जानते हैं, लेकिन रिकॉर्ड सेटिंग्स में जाने के बाद जो है यहाँ पर जो ऑप्शन आते हैं, इसमें डोंट रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली पर बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन आता है, आप रिकॉर्ड ऑल कॉल्स कर सकते हैं। जो मैं दिखाना चाहता हूँ वो सबसे अच्छा है यहाँ पर कस्टम। कस्टम पे जाने के बाद देखिए, कस्टम का ऑप्शन इनेबल हो गया है। यहाँ पर कस्टम पे करने के बाद, जैसे हमने अभी एक नंबर यहाँ पर सेव कर रखा है, इस नंबर को हम चाहते हैं कि जब भी हम इससे बात करें तो ये कॉल रिकॉर्ड हो जाए। ऐसे ही हम कई सारे और नंबर्स ले सकते हैं, और नंबर लेने के बाद ये हमने दूसरा नंबर ले लिया है, ये तीसरा नंबर ले लिया और डन कर दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि जब भी इन लोगों का फ़ोन आए या मैं इन्हें फ़ोन लगाऊँ, तो हमेशा ये कॉल रिकॉर्ड होनी चाहिए। इसके दोस्तों कई सारे फ़ायदे हैं। आप कभी ऐसे बिजनेस पार्टनर से, ऐसे दोस्तों से, या जो भी कह सकते हैं, आप चाहते हैं कि हमारी वार्तालाप जो है बात रिकॉर्ड हो, वो चाहे अच्छे पर्पज़ से हो, चाहे बुरे पर्पज़ से हो, लेकिन ये फंक्शन आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा काम आ सकता है। इसके बाद दोस्तों जो है हम चौथी सेटिंग आपको दिखाना चाहेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती है। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है पुश द पावर बटन टू एंड द कॉल। इसमें दोस्तों कई एप्लीकेशंस जो अलग अलग मोबाइल फ़ोन्स आते हैं अलग अलग कंपनियों के, वो यहाँ पर ऑप्शन को जो है डबल भी कर देते हैं, क्योंकि हमारे इस फ़ोन में ऑप्शन दे रखा है कि आप इसे इनेबल कर देंगे तो जब आपकी बात ख़त्म हो जाएगी फ़ोन पर, जैसे ही आप पावर बटन का इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ से कॉल कट हो जाएगा, और ये पावर बटन जो है आपको कॉल रिजेक्ट के काम भी आएगा। अगर आपको कॉल आ रहा है
और आप उस कॉल को उठाना नहीं चाहते हैं तो आप पावर बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ से कॉल कट जाएगा। किसी किसी मोबाइल में दोस्तों पहले कॉल पावर बटन दबाने पर रिसीव होगा और जब आपकी वार्तालाप पूरी हो जाएगी देन पावर बटन प्रेस करने पर आपका कॉल जो है वहाँ से कट हो जाएगा। तो दोस्तों ये भी चौथी बड़ी इंटरेस्टिंग सेटिंग थी। इसके बाद जो पांचवी जो सबसे ज़्यादा मेन इंटरेस्टिंग सेटिंग है आप देख पा रहे होंगे स्पीड डायल लिखा हुआ है। डायलर में जाके आप स्पीड डायल में जाएंगे, यहाँ देख सकते हैं आप ये जो डायल पैड होता है इस पर आप नंबर को असाइन कर सकते हैं। आप इन नंबरों पे किसी एक पर्टिकुलर नंबर को असाइन कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा 2 नंबर पर और 5 नंबर पर जो है मैंने 2 कॉल्स को यहाँ पर असाइन किया है। एक मेरा नंबर है, एक मेरी माताजी का नंबर है। अब इसका फ़ायदा क्या है, हमने यहाँ पर सेट कर दिया है। सेट कैसे करते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। हम 3 नंबर के बटन पर क्लिक करेंगे, क्लिक टू ऐड। यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो है कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट ओपन होती है और कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट ओपन होने के बाद आप जिस भी नंबर पर क्लिक करेंगे वहाँ पर ये जो है ऐड हो जाएगा। अब ये कैसे काम करेगा हम दिखाते हैं। ये 2 और 5 नंबर पर जो नंबर ऐड हैं हम हमारे डायल कॉल पर वापस आएंगे। जैसे ही आप डायल कॉल देख पा रहे हैं यहाँ पर अब मैं जो 2 लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 ये 2 लिखा हुआ है जैसे ही इस 2 को लॉन्ग प्रेस करूँगा, लॉन्ग प्रेस विच मीन्स 1-2 सेकंड से ज़्यादा, तो ऑटोमेटिकली मेरे नंबर पर कॉल लग जाएगा। मुझे जो है कहीं से वो नंबर सर्च नहीं करना पड़ेगा। आपने देखा होगा डायलर पैड में कॉन्टैक्ट बुक में काफ़ी नीचे नंबर होता है, फिर हम उसको नंबरिंग से सर्च करते हैं या हम उसको रिसीव्ड में या डायल्ड में जाकर देखते हैं। देखिए जैसे ही मैं 2 नंबर को प्रेस करूँगा, ये मैंने प्रेस किया, तो दोस्तों देखा होगा आपने ये कितना अच्छा जो है यहाँ पर एक ऑप्शन है। ये 5 सेटिंग्स जो मैंने आपको बताई, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये 5 सेटिंग्स आज पसंद आई होंगी। अगर आपको सेटिंग्स ये पसंद आई हैं, ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। थैंक यू।